सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर, और अगर आप कॉलेज में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बैकलॉग के बारे में बताऊंगा। आपके सेमेस्टर एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में बैक कैसे लगता है, और मान लीजिए कि लग गया है तो उसको आप सही कैसे करवा सकते हैं, उसका एग्जाम कब होगा, आप कैसे देंगे, ये भी हम आपको बताएंगे कि जब आप दोबारा से उसका एग्जाम देते हैं और उसमें पास हो जाते हैं तो जो मार्कशीट दोबारा से बन के आती है उसमें बैक जो होता है वो शो करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है, जो आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक लग जाता है या फिर बैकलॉग लग जाता है उसका मतलब क्या है, और वो लगता कैसे है, क्यों लगता है, किस कंडीशन में लगता है। तो देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक लग गया है, बैकलॉग लग गया है, तो उसका मतलब यही है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। अच्छा, अगर बात करें कि कैसे लगता है, किस कंडीशन में लगता है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें एक पासिंग मार्क्स होगा, आपको बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया है तो आप अपने कॉलेज से जान लीजिएगा, अपने क्लासमेट से पूछ लीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट का पेपर देने जाते हैं ना, उसका एक पासिंग मार्क्स होता है। अगर आप उस पासिंग मार्क्स के बराबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो समझिए कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। मान लीजिए कि उससे कम नंबर लाते हैं तो आप समझिए कि उसमें फेल हो चुके हैं। तो जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका बैक लग जाता है, बैकलॉग लग जाता है। तो अगर आपका बैक लग जाता है, बैकलॉग लग जाता है, तो फिर इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इसका सलूशन क्या है, आप इसको कैसे सुधार सकते हैं। अच्छा, आप ये भी पूछेंगे कि इसको सुधारने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं ना कि आपका कोर्स कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ होगा या फिर बैकलॉग लगा हुआ होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपका कॉलेज है, जितने साल का भी है, उसके आखिर सेमेस्टर तक आपका जितना भी बैक लगा हुआ है, जिस सब्जेक्ट में भी बैक लगा हुआ है, उसको आप क्लियर कर लीजिए। क्योंकि आप क्लियर करेंगे तभी जाके आपको माना जाएगा कि आप पास हैं। तो आप इसको क्लियर कैसे करेंगे और कब करेंगे, इसके प्रोसेस के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, इसमें एक रूल होता है, ओड ओड इवन इवन करके। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपके पहले सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, उसके किसी सब्जेक्ट में आप बैक लगा हुआ है, तो इसका दोबारा से एग्जाम होगा, आपको उसका दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। कब देंगे आप एग्जाम देंगे थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में और सेवन्थ सेमेस्टर में। मतलब ओड ओड, मतलब ओड में लगा था ना बैक, तो आगे आने वाले जितने भी ओड सेमेस्टर होंगे उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वही सेम अगर मान लीजिए कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में लग जाता है, तो उसका जो बैक का फॉर्म आप डालेंगे या फिर बैक का एग्जाम आप देंगे, वो देंगे फोर्थ सेमेस्टर में, सिक्स्थ में या फिर आठवें सेमेस्टर में। अगर आपके थर्ड में लगता है तो फिफ्थ में देंगे, सेवन्थ में देंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पहले सेमेस्टर में बैक लग जाता है, तो इसका फॉर्म आप डालेंगे थर्ड सेमेस्टर में, तो ऐसा होगा ना कि थर्ड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर का भी तो कोई सब्जेक्ट होगा, ऐसा तो है नहीं कि उसमें कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कि उसमें ऑलरेडी पांच सब्जेक्ट उसमें होंगे, तो आपको क्या कम करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो उसका एग्जाम होगा, थर्ड सेमेस्टर वाला एग्जाम होगा, उसको उसके पांचों के पांचों सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या काम करना होगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जिस सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, उसका एग्जाम भी आपको थर्ड सेमेस्टर के टाइम पे ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ में बैठ के देना पड़ेगा। अच्छा, जब आप एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन करेंगे ना बैक पेपर का, तो उसके लिए आपको कुछ रुपये पे करने पड़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को या फिर अपने कॉलेज को। हो सकता है कि 500, 600, 700, 800, 900 या फिर 1000, जो भी कॉलेज आपसे बोलेंगे उतना आपको पे करना पड़ता है पर सब्जेक्ट का। अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के किसी सब्जेक्ट में एबसेंट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट आता है उसमें शो करता है एबसेंट या फिर ABS शो करता है, तो उस कंडीशन में भी आपको बैक का फॉर्म डालना पड़ता है, बैक का एग्जाम देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि जितने भी आपके बैकलॉग्स थे, अगर आपने उनको क्लियर कर लिया तो जो बाद में मार्कशीट बन के आएगी, तो क्या उसमें कहीं पे शो होगा, कहीं पे मेंशन होगा? तो जी नहीं। अगर आप अपना बैकलॉग क्लियर कर लेते हैं, जितने भी आपके पेपर थे, जितने में भी आपके बैक लगे हुए थे, आपने बैक का एग्जाम दिया हुआ था, अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो जो आपकी बाद में मार्कशीट बन के आएगी उसमें कहीं भी मेंशन नहीं होगा बैक या फिर बैकलॉग करके, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि अपने आखिरी सेमेस्टर तक, अपने आखिरी ईयर तक जितने भी आपके बैकलॉग्स हैं, जितने भी आपके बैक हैं, सबको क्लियर कर लीजिएगा। और हाँ, आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपका लास्ट ईयर होता है, जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है, उसमें किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगने पाए, उसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। क्योंकि अगर उसमें लगेगा ना, तो फिर आपका एक साल लेट हो सकता है, क्योंकि उसका एग्जाम तो फिर आपको अगले एक साल बाद ही देना पड़ेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो उसमें किसी सब्जेक्ट में आपको बैक ना लगने पाए, आप लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा।